The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों? सो मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। और आज आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं स्पर्म काउंट और ए जू स्पर्मिया के बारे में। तो जल्दी से ज्वाइन करवा लेते हैं आज हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर जय मेहता। डॉक्टर मुंबई से हैं और ये बहुत ही बड़ी बढ़िया गायनेकोलॉजिस्ट हैं, IVF स्पेशलिस्ट हैं। सो हम इनको वेलकम करते हैं, आप लोग भी आइए। हेलो डॉक्टर जय, हाउ आर यू? हाय डॉक्टर परमजीत, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। गाइस, नाइस टू हैव यू एंड ग्लैड आप समय निकाल के आए हैं, बढ़िया। सो मेरे जितने भी हमारे दर्शक हैं, ऑलरेडी वी हैव मेनी पीपल जॉइंड और बहुत सारे और भी इसे देखेंगे। So, उनके लिए मैं बता दूं, डॉक्टर जय प्रैक्टिसिंग इन मुंबई, इज एन IVF स्पेशलिस्ट और श्री IVF है जो इनका सेंटर है, इज द डायरेक्टर देयर। सो ये इस फील्ड के स्पेशलिस्ट हो गए। अब इनसे हम बात करेंगे इन्हीं की फील्ड की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और आज सबसे पहले डॉक्टर साहब आप बताना चाहेंगे अपने बारे में कुछ? नहीं नहीं, आई थिंक ऑल व्हाट यू स्पोक इज इनफ, देयर इज नो नीड टू से एनीथिंग। आपने जो बताया वो सब ठीक है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सो वेरी हम्बल ऑफ यू। इनका एक YouTube चैनल भी है, मैं लिंक उसका बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यू कैन चेक इट आउट YouTube चैनल। ही इज ऑल्सो इनटू पेशेंट एजुकेशन और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जितने डॉक्टर्स मिलके पेशेंट एजुकेशन के लिए आगे बढ़े उतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया का होता जाएगा। और यही हमारा एक पहल है, ऑब्जेक्टिव है। सो आज हम पेशेंट एजुकेशन के लिए ए जू स्पर्मिया पे डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब आप पहले बताओ, आपके पास तो बहुत केसेस आते होंगे, तो ए जू स्पर्मिया कितना कॉमन है? सबसे पहला सवाल तो ये है और सबसे पहले होता क्या है पहले ये आप बताइए। सी एक्चुअली डॉक्टर परमजीत, वी आर अ रेफरल यूनिट, हम पूरे इंडिया का रेफरल यूनिट है फॉर ए जू स्पर्मिया। सो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ ए जू स्पर्मिया पेशेंट्स जो हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा है। इट्स अ लॉट बिकॉज अक्रॉस द कंट्री वाले पेशेंट्स आते हैं, बट इफ यू लुक एट अ ब्रॉड एवरेज ऑफ हाउ कॉमन इज ए जू स्पर्मिया, तो पूरे मेल इनफर्टिलिटी में जितने भी मेल्स को इनफर्टिलिटी होती है उसमें तकरीबन 10%, अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ पेशेंट्स विल हैव ए जू स्पर्मिया टू वेरी वेरी सिवियर ओलिगो स्पर्मिया। अपने को पता है कि मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन इज लिमिटलेस, करेक्ट? इट्स एब्सोल्युटली लिमिटलेस, बट ऑन एन एवरेज कोई भी अगर आप नॉर्मल मेल को देखते हैं तो तकरीबन 15 to 20 million तक का स्पर्म काउंट नॉर्मल बोला जाता है। अगर आप इंडियन टर्म्स में बात करें तो इसका मतलब 1.5 to 2 crore स्पर्म, ओके? दिस इज नॉर्मल। ए जू स्पर्मिया में वो कंडीशन है जहां पे ये चीज होता है जीरो, इट इज जीरो, जीरो, दैट्स द थिंग, या एंड दैट्स द प्रॉब्लम। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक मेल, एक ऐसा पुरुष जो स्पर्म बना ही नहीं पा रहा है, जिसके अंदर बन ही नहीं पा रहे, जीरो है, मतलब ऐसे पुरुष का रिप्रोडक्शन करना कितना इम्पॉसिबल हो जाएगा, ये आप सोच के देखो। सो ऐसे इसको ए जू स्पर्मिया बोलते हैं, यही कम हो जाता है तो उसको ओलिगो जू स्पर्मिया बोलते हैं। सो यही चीज का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट जो है, सबसे बड़ा सेंटर जो है इंडिया में, मतलब आपके पास लोग रेफर करते हैं दिल्ली मुंबई में, तो बहुत बड़ी बात है। सो आप फिर इसको कैसे इवेल्युएट करते हो पेशेंट के साथ, और पेशेंट क्या सबसे पहला सवाल पेशेंट को खत्म करते हैं, क्या उनके लिए प्रेगनेंसी अचीव करना, बच्चा पैदा करना पॉसिबल होता है या नहीं? देखिए, जब कभी भी किसी को ए जू स्पर्मिया होता है, मतलब जीरो स्पर्म काउंट होता है, सबसे कॉमन माइंड में जो डाउट रहता है वो पेशेंट के ये रहता है कि डॉक्टर क्या मैं कभी खुद का बच्चा कर पाऊंगा या नहीं, यू नो दैट्स अ प्रॉब्लम।
एंड आज देखिए कोई भी जब कभी भी किसी की भी शादी होती है व्हाट डू दे वांट, उनको चाहिए कि उनको उनका खुद का बच्चा हो जाए. यू नो ये ग्लोबल रूल है, नॉट इंडिया का रूल, ये पूरे वर्ल्ड वाइड का रूल है. यू नो बिल्कुल. फॉर्चुनेटली लाइक जो मेरा रिलीजियस बैकग्राउंड है, जिस धर्म को मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे धर्म में डोनर या सरोगसी करना अलाउड नहीं है. तो when probably we started this, it was के we have to do something on this. ऐसा नहीं है that we were the first people to do it in our country. ऐसा बिल्कुल नहीं है. हमारे पहले भी हमारे seniors ने इसकी treatment की है. But one must remember कि जब कभी भी azoospermia होता है, there is always a hope that they will have their own child. ऐसे situations में surgeries करने से, दवाई देने से, evaluations करने से, लोगों को खुद का sperm मिल सकता है. Okay, so here we are talking about, तो उनका स्पर्म नहीं बन रहा, वो हम स्पर्म एक्चुअली बनवाना शुरू कर सकते हैं थ्रू सम वेज, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि क्या ये बचपन से है उनका स्पर्म आना बंद है ही नहीं, या अभी कोई बीमारी हुई है. नाउ लेट्स क्विकली गो इनटू दैट. सो कॉमन कॉजेस क्या है? द मोस्ट कॉमन अगर आप देखेंगे तो दो टाइप्स, अगर मैं दो ब्रॉड कैटेगरी बताऊं तो एक कैटेगरी है ऑब्स्ट्रक्शन, जहां पे अगर एक छोटा सा हिस्ट्री दे दूं तो स्पर्म प्रोडक्शन एक्चुअली होता है टेस्टिस में, जिसको हम लोग हिंदी में गोटी बोलते हैं, करेक्ट? वहां से जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, एक बड़ा पाइप रहता है जिसको बोलते हैं वास डिफरेंस, और वहां से फिर सेमाइनल फ्लूइड में बाहर आता है. जो हम एग्जामिन करते हैं ना, जो हम स्टडी करते हैं, दैट इज द सेमाइनल फ्लूइड. वी नेवर टेस्ट द टेस्टिस. ओके, ऑब्स्ट्रक्शन वो चीज है जहां पे वो पाइप ब्लॉक है, मतलब टेस्टिस में स्पर्म बन रहे पर वो बाहर नहीं आ पाया. ये बचपन से होता है, ये बचपन से होता है. ओके, काफी बार अपने कंट्री में अगर आप देखेंगे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में टीबी बड़ा कॉमन है, तो टीबी के वजह से भी ये पाइप ब्लॉक हो जाता है. तो दैट इज द अदर कॉमन कॉज. और जो दूसरी कैटेगरी है वो है नॉन ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब पाइप में कोई ब्लॉकेज नहीं है, ड्यू टू सम प्रॉब्लम वो बंद हो चुका है. नाउ दैट इज वेरी कॉमन अगर आप देखेंगे कोई एंडोक्रिनोलॉजिकल, मतलब कोई ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, हॉर्मोन्स में कोई प्रॉब्लम है. अपनी कंट्री में अगर आप स्टडी करेंगे, यू विल बी शॉक्ड डॉक्टर परमजीत, थायराइड डिसऑर्डर्स एंड प्रोलैक्टिन आर वेरी कॉमन कॉजेज ऑफ एजोस्पर्मिया. आप बिलीव नहीं करेंगे बट इट्स वेरी कॉमन. ओके, एंड काफी बार पेशेंट्स उसी की दवाई लेने से ठीक हो जाते हैं. यू नो द अदर थिंग विच कॉजेज अपने कंट्री में वेरी कॉमन इज कीमोथेरेपी, पोस्ट कीमोथेरेपी. Lot of young males get affected with various types of cancers, not just testis ka cancer. Aur o situations mein bhi azoospermia hona bahut common hai. Aur jo sabse broad chunk iska banate hain wo hai idiopathic, jiska abhi tak medical science ke paas koi jawab nahi hai ki unko ye kyu hua. You know, but ye point bahut important. Medical science ke paas jawab nahi hai, to personal level pe aapko kya lagta hai ki aaj ke level ke jo प्रिजर्वेटिव हैं या खान पान है या मान लीजिए जो एनवायरमेंट है, जो पानी है, क्या ये चीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है और कितना लगता है आपको? इन चीजों को हम बोलते हैं EDCs, दीज आर एंडोक्राइन डिसरप्टिव केमिकल्स, करेक्ट? ये जो EDCs है, इट इज पॉस्टुलेटेड, मतलब प्रूवन नहीं है, अभी तक कोई प्रूवन थियोरी नहीं है. ये थियरी सच है एग के लिए, जो विमेन जिसमें AMH का वैल्यू कमती होता है, लो AMH जिसको बोलते हैं, EDCs इज गुड फॉर दैट, बट इट इज नॉट प्रूवन फॉर azoospermia. तो हम azoospermia में ये नहीं काउंटर करते. बट इट इज अ पॉसिबल वे, पॉसिबल कुड बी फैक्टर, इट्स अ बिग पॉसिबल. मेरे को तो ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा पॉसिबल फैक्टर है. और एक और बड़ा पॉसिबल फैक्टर आज का जो टेम्परेचर बढ़ गया है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आ जाती है, और लोगों के जो ड्रेसिंग सेंस हो गई है, पहले तो खुले खुले पहनते थे, अब ज्यादा टाइट्स पहनने लगे हैं. एंड द मोर मेल्स आर गोइंग इनटू एक्सरसाइज एंड देन वेयरिंग दोस टाइट जॉक्स, है ना? सो आई दोज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल इन सम वे, जहां पर या तो ब्लड फ्लो कम कर देते हैं या वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है. एक्सरसाइज से वो लोग एक्सरसाइज में वो लोग टेस्टोस्टेरोन के जो शॉट्स लेते हैं ना बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, उसके वजह से तकलीफ होती है. दैट कॉजेस टेम्पररी एजोस्पर्मिया. अच्छा, ये टेम्पररी परमानेंट भी तो हो सकता है? दैट इज पॉसिबल. या पॉसिबल जो लोग इंजेक्शन लगाते हैं उन लोगों को ये नॉलेज भी नहीं होता कि ऐसा होने वाला है. यू वोंट बी करेक्ट. आज ही एक पेपर पेशेंट से मेरी बात हुई थी, एंड ही वाज लाइक कि मुझे इंजेक्शन लेना है,
और स्टीरॉयड लेना है तो आप मुझे बताओ सेफ है कि नहीं। तो मेरा पहला सवाल उनसे होता है मैरिड हो कि नहीं, बेबी है कि नहीं, करते क्या हो, प्रोफेशनली करना चाहते हो, क्या हिसाब है आपका। सो बच्चा है नहीं, लेकिन ये नहीं पता कि आगे चल के बच्चा करने में प्रॉब्लम आएगी, आ सकती है। सो दे डोंट नो दैट, दे डोंट इवन नो, वो सिर्फ दूसरों की दो बातें सुन के दे आर लाइक कि हाँ मुझे जी बॉडी बनानी है, मुझे अच्छा ये करना है, स्टीरॉयड लेना शुरू हो जाते हैं जिम इंस्ट्रक्टर की बातें सुन के और उसको एक्सपीरियंस भी नहीं है, एक साल का भी एक्सपीरियंस नहीं है एक्सरसाइज का। मैंने कहा तुम अपनी गाड़ी में रेसिंग कार बनाना चाहते हो लेकिन तुम्हारे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो फायदा क्या होगा। दिस इज द हार्श ट्रुथ ऑफ द वर्ल्ड कि पीपल जस्ट वॉन्ट क्विक रिजल्ट्स, करेक्ट। तो बहुत ज्यादा इशू है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, एजोस्पर्मिया का इतने सारे हमने कारण देखे। So, अच्छी बात जानने वाली लोगों के लिए है, इवन इफ दे डोंट हैव एनी स्पर्म, जीरो स्पर्म है, हो सकता है कि प्रॉब्लम सिर्फ इतना हो कि अंदर सारा कुछ बन रहा है और रास्ता ब्लॉक है। अगर वो रास्ता खोल दिया जाए छोटे से माइनर ऑपरेशन से तो वो आप नॉर्मल हो जाओगे, या फिर आपके एंडोक्राइन सिस्टम में, आपके थायराइड में माइनर इश्यूज हैं, कुछ गोली से आपका जो जो गाड़ी है जो बंद पड़ी है वो चलने लग जाए, आपके स्पर्म काउंट्स वापस नॉर्मल हो जाए। रेयर केसेस हैं कि मान लो आपको कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोई ऐसी कोई चांसेस है जब कुछ नहीं कर पाते हैं, जब कुछ भी करने से कोई और ऑप्शन नहीं है, तब क्या कर सकते हैं। तो सर जब हम रेयर केसेस की बात करते हैं, द ब्यूटी इज, जैसे कि आपने जेनेटिक डिसऑर्डर्स बताया, एक कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर जिससे होता है इसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें यू नो इट इज समथिंग कॉल्ड अ सुपर मेल XXY सिंड्रोम रहता है ये चीज। You will not believe these males, जिसमें testis is smaller than a peanut, testis का size का जो volume है बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा volume, इन लोगों को भी sperms मिलते हैं। Even these people who have atrophic testis, उनको sperms मिलते हैं, उनका FSH जो hormone रहता है, it is in the value of failure, मतलब 55-60 का value cross कर चुका होता है वो value, और उनको तो भी sperm मिलते हैं। ओके, बिकॉज आई विल गिव यू अ रीजन, इस चीज का आंसर क्या है, मतलब साइंटिफिक बेसिस क्या है। जो टेस्टिस है ना, टेस्टिस के अंदर काफी सारे कंपार्टमेंट्स हैं, और ये कंपार्टमेंट्स के अंदर ट्यूब्यूल्स हैं, जो एक पाइपलाइन है जो दूसरे पाइपलाइन से इंडिपेंडेंट है, इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अगर भगवान ने 1 मिलियन 10 लाख सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दी है तो कोई 5, 15, 10, 20 ऐसे छूट जाते हैं जिसपे कोई इफेक्ट नहीं आई है, और जो ट्यूब्यूल्स वो छूट जाती है उसमें से स्पर्म्स मिलके उनको खुद का बच्चा हो सकता है। ओके, सो इन दैट केस आप उसे एक्सट्रैक्ट कैसे करते हो? एक माइक्रो डिसेक्शन करके एक ऑपरेशन किया जाता है, जिसके अंदर एक बड़ा ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप, जो हम लोग ब्रेन की सर्जरी को यूज करते हैं ना, वो ब्रेन की सर्जरी का माइक्रोस्कोप टेस्टिस के ऊपर माउंट किया जाता है। उसके ऊपर माउंट करने से जो छोटी टेस्टिस रहती है अप्रोक्सीमेटली 3-3.5 सेंटीमीटर की, वो सडनली आपको 30 सेंटीमीटर जैसा फुटबॉल दिखता है, यू नो, एंड देन यू कैन विद एक्सपर्टीज, जिस चीज को जो एक्सपर्टीज लगती है उस चीज में, यू कैन आइडेंटिफाई आपकी नजर से कि कौन सी टेस्टिस ज्यादा अच्छी है, कौन सी टेस्टिस का ट्यूब्यूल ज्यादा अच्छा नहीं है, एंड देन यू कैन एक्सट्रैक्ट स्पर्म्स फ्रॉम दैट। दैट्स वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भी सिचुएशन में कोई ना कोई सोल्यूशन है, सबसे बड़ा पॉइंट ये आ जाता है। सो ये नॉलेज नहीं होती लोगों को, इसलिए लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं कि नहीं मेरा तो बच्चा नहीं हो सकता, और ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। सो यहाँ पर बहुत अच्छा रोल है। अच्छा, आप इस बात में थोड़ा सा अपना बताओ कि अगर आपका एजोस्पर्मिया है या ओलिगोजोस्पर्मिया है, तो ऐसे में ऑब्वियसली अगर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर हम वो नहीं कर पा रहे, वापस उनके स्पर्म काउंट नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो एक्सट्रैक्शन से फिर हम या तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे या IVF करेंगे, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा नहीं ऑब्वियसली। अभी देखिए, जब हम टेस्टिस में से स्पर्म्स एक्सट्रैक्ट करने की बात करते हैं, तो वो सिचुएशन में इट इज ऑलवेज विथ IVF, और उसमें भी IVF का ऊपर का प्रोसीजर जिसको बोलते हैं ICSI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं किया जाता ये सिचुएशंस में, नेवर, बिकॉज द क्वांटम, जो स्पर्म का क्वांटम मिलता है, दैट्स काउंटेबल, 100, 500, 600 स्पर्म्स मिलते हैं। ये 500-600 स्पर्म्स में से फिर हम चूज करते हैं भाई कौन से हैं टॉप 50, जिसको अपन बोलते हैं, ये अपनी नीट की एंट्रेंस एग्जाम जैसा है, पकड़ के चलो डॉक्टर परमजीत, यू नो, 1 लाख
एक लाख स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं और अपने को कोई भी टू टॉप 200 चाहिए, यू नो, एंड दोज टॉप 200 फर्म्स आर देन चोजन, जिससे हम लोग इक्सी कर सकते हैं एंड दैट गिव्स रिजल्ट्स. That's very nice. That's very. तो ये एक selective चीज होगी, मतलब आप हम select करके best sperm जो available है और आपके खुद के sperm आपके बच्चे के creation में इस्तेमाल किए जा सकते हैं. तो at the end of the day, you know, the जो आप यहाँ से एक लेके जाओगे जो message है वो ये है कि एक अच्छे gynecologist के guidance में आपका कोई भी problem हो, चाहे वो highest genetic problem जैसा भी क्यों ना हो, देर आर solutions. आज के डेट में एक solution है अवेलेबल, मगर आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, knowledgeable डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और वो डॉक्टर से अपने केस को डिस्कस करना पड़ेगा. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको खुद को एजुकेटेड होना पड़ेगा. सो दैट हाउ डू यू से क्या कहते हैं, सो दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो इसी टॉपिक पे हम एक नेक्स्ट टाइम आपके साथ डिस्कस करेंगे लो AMH के बारे में, जो फीमेल्स के लिए थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा. और Correct. ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा लोगों को भी, मेरे को भी थोड़ा बहुत सीखने को मिला नई चीज फुटबॉल वाला, बहुत अच्छा. So I was excited about that. I'll just tell one thing which normally people miss out on. देखिए, whenever there is azoospermia, remember it causes lot of depression. कोई भी मेल को अगर ये लगता है ना कि मुझे एजोस्पर्मिया कैसे हो सकता है डॉक्टर, मैं तो नॉर्मल हूँ, मैंने पढ़ाई की है, मैं इंजीनियर हूँ, यू नो, मैं आई कैन हैव नॉर्मल इंटरकोर्स, मैं सेक्सुअल एक्टिविटी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एजोस्पर्मिया कैसे हो सकता है. ये एक एक्सेप्टेंस, नो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सेप्टिंग इट. वंस यू एक्सेप्ट, देयर इज ट्रीटमेंट. या डायल इज अ बिग प्रॉब्लम. नहीं, बट देन सी, अगर हम इसे पाइपलाइन जैसा समझते हैं तो आपकी टांकी में पानी है लेकिन नीचे नहीं आ रहा है, ये तो कोई समझ सकता है कि बीच में कुछ फंस गया होगा. और अगर टांकी भर नहीं रही है तो मोटर खराब होगी, कुछ तो प्रॉब्लम है. तो इसमें इतना प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है. मेरा देखिए, मेरा तो हिसाब बहुत सिंपल है, मैं तो उनको इसी तरीके से समझा देता हूँ. लोग जब ऐसे करते हैं, लोग कई बार कहते हैं कि मैं तो यार मुझे टेस्ट नहीं कराना, डॉक्टर साहब सिर्फ दवा दे दो, ऐसे दो. मैं कह, गाड़ी है तुम्हारे पास, 3 महीने में गाड़ी का तुम जाके चेकअप कराते हो, खुद का नहीं करा सकते हो. तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि या पीपल इन इंडिया, दे जब आता ना बात, दे एक्चुअली डोंट बिलीव सो मच ऑन डॉक्टर्स. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, बिकॉज डॉक्टर्स उतना मनी माइंडेड हो गए आज के डेट में, या कॉर्पोरेट सिस्टम हो गया, या कह लीजिए लोग बताते नहीं है, डॉक्टर समझाते नहीं है, लोगों को लगता है हमें पता ही नहीं चल रहा. सो इट्स अ ह्यूज इशू, एंड दैट्स व्हाई आपके जैसे हमारे जैसे डॉक्टरों का ऑनलाइन आना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को दिखे. यस, डॉक्टरों को नॉलेज है, वो सिर्फ उड़ते तीर नहीं मार रहे हैं कि हाँ तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे. और यहाँ पर एवरीथिंग हैज अ सोल्यूशन, बट यू नीड टू गेट इन्वॉल्व विथ योर डॉक्टर, और डॉक्टर अच्छा होना चाहिए. करेक्ट, वो सबसे जरूरी है. अच्छा डॉक्टर ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं, है कि नहीं? वेरी ट्रू. सो वेरी नाइस हैविंग यू डॉक्टर जय, इट वॉज अ प्लेजर. क्या है, इसको हम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, वरना लोग इसे देखते नहीं है. सो हम इसीलिए कोशिश करते हैं हमारे 10-15 मिनट में इसको शॉर्ट में कंसाइज रखें. द मोर एंगेजमेंट हम बिल्ड करेंगे, और व्हाट वी विल डू इज, इसी तरह से हम एक डेट डिसाइड करके नेक्स्ट सेशन आपके साथ करेंगे लो AMH पे, लो AMH पे, और फीमेल्स के लिए डिस्कस करेंगे. जरूर, मैं देख लेता हूँ अगर कोई स्पेसिफिक कोई सवाल है, और ऐसे कोई मुझे वैसे इस टॉपिक पे सवाल तो नहीं दिख रहा, बट इट्स गुड. तो नेक्स्ट टाइम हम देख लेंगे अगर कोई सामान रह जाता है. और जो एक सवाल है, बॉडी में स्पर्म क्रिएट होने में कितना टाइम लगता है, और स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा फूड कौन सा है, डॉक्टर साहब बताइए. अगर बॉडी में अगर आप देखेंगे तो स्पर्म साइकिल जो रहती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 75 डेज. मतलब जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है राइट फ्रॉम इट्स प्रोजेनाइटर, मतलब ओरिजिन जहां से होता है, वहां से एक स्पर्म बनने के लिए तकरीबन 55-60 डेज जितना लगता है. और फिर एक पाथवे है जहां से वो बाहर आता है बॉडी के, उसको और तकरीबन 35 डेज ऐड कर लीजिए, तो अराउंड 90 डे का साइकिल रहता है स्पर्म प्रोडक्शन का. ओके, एंड इफ यू लुक एट कौन सा फूड है जो जो सबसे जो स्पर्म प्रोडक्शन को हेल्प करता है. देखिए, लॉट ऑफ थियोरीज आर देयर, पर आप बिलीव अगर लोग बिलीव करते हैं, देन इट इज द फैक्ट, बिकॉज आई एम हाईली, मैंने आयुर्वेदा का भी बहुत स्टडीज किया है इस चीज को लेके. तो आप बिलीव नहीं करेंगे, इस चीज का सबसे पहला मेडिसिन वॉज फाउंडेड आउट बाय आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर्स इन इंडिया.
यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अश्वगंधा. नाउ अश्वगंधा इज एन एंटीऑक्सीडेंट, ये हमको सबको पता है. अश्व हमारी संस्कृत पढ़ेंगे तो आता है हॉर्स, घोड़ा. एंड जहां पे घोड़े की स्मेल आती है उसके जो रूट्स रहते हैं ना वो प्लांट्स के, उस प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स को बोला जाता है अश्वगंधा के एक्सट्रैक्ट्स. एंड दैट इज द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट फॉर स्पर्म्स. कैन यू बिलीव दैट? या आई डू, आई बिलीव इन अश्वगंधा. मेरे लिटरली आप मानोगे मेरे हर तीसरे प्रिस्क्रिप्शन में अश्वगंधा होता है, आई प्रिस्क्राइब इट. सो अश्वगंधा इज वेरी नाइस, इट्स अ वेरी गुड एडैप्टोजन, इट्स अ स्ट्रेस रिड्यूस करता है. अकेले से स्ट्रेस रिड्यूस करने से आपके स्पर्म काउंट बढ़ सकते हैं. सो हाईली पॉसिबल. तो आज के डेट में तो स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है आपका. सो दैट इज देयर. सो यस, मैं ये इस वीडियो की रिकॉर्डिंग YouTube पे डालने वाला हूँ. एंड यू विल बी एबल टू सी दिस वीडियो अगेन ऑन माय YouTube चैनल एज वेल एज डॉक्टर जय's YouTube चैनल. तो डॉक्टर जय का YouTube चैनल ज्वाइन करिए, उनका Instagram फॉलो करिए. जितने ज्यादा डॉक्टर्स इस तरह से उठ के खड़े होंगे हमारे आपके और इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है. सो इस एक नई पहल है हमारी एक्सपर्ट टॉक में, ऐसे और डॉक्टर्स आगे आए हमारे साथ बात करें. सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू हैव यू डॉक्टर जय. थैंक यू सो मच. इसको यहां पे एंड करते हैं. नेक्स्ट टाइम हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे. थैंक यू सो मच डॉक्टर परमजीत. गुड नाइट. बाय 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 बाय.